हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीशो एक्सचेंज के बारे में। मीशो एक्सचेंज होता है क्या? अगर हमको कोई दूसरा प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो क्या हम एक्सचेंज करके दूसरा प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं? चाहे हमको कलर में प्रॉब्लम हो, चाहे डिजाइन, क्या हम शर्ट के बदले टी शर्ट मंगवा सकते हैं? तो वही सब डाउट है, वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जो आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वही प्रोडक्ट आपको एक्सचेंज करके दूसरा देगा। यानी हम ब्लैक टी शर्ट मंगवाए हैं तो हमको ब्लैक के जगह हमको रेड आ गया, तो हम अगर एक्सचेंज करेंगे तो हमको ब्लैक टी शर्ट मिलेगा, क्योंकि हम ऑर्डर किए थे ब्लैक, आ गया रेड। तो मिस्टेक है कि हम ब्लैक किए थे और आ गया रेड, ठीक है, तब आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम किए थे टी शर्ट, आप बोलेंगे उसके बदले हमको कोई और प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके जगह पे आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दें। तो उस प्रोडक्ट आपको चाहिए वो फिर से ऑर्डर प्लेस कीजिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और रिटर्न जो करेंगे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा मीशो के द्वारा। और आप कमेंट आ रहे थे एक्सचेंज करके दूसरा प्रोडक्ट कैसे मंगवाएं, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं दूसरा ऑर्डर। जो आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, चाहे डिजाइन में, चाहे कलर में, चाहे साइज में, वही प्रोडक्ट आपको दोबारा रिसीव होगा। एक्सचेंज करेंगे तो जो प्रॉब्लम रहेगा वो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो हम एक्सचेंज के बारे में बहुत सारा वीडियो बना रखे हैं आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, कि साइज में प्रॉब्लम है तो एक्सचेंज कैसे करें, कलर में प्रॉब्लम है तो एक्सचेंज कैसे करें, हमको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो एक्सचेंज कैसे करें या रिटर्न कैसे करें, जो भी है, चाहे आपको कोई गलत टूटा हुआ प्रोडक्ट मिल गया तो आप उसे एक्सचेंज या रिटर्न कैसे कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक पे हम ये वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप लोगों को बहुत सारा कमेंट एक और आ रखा है कि एक्सचेंज करने पे हमको बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो क्या बैंक डिटेल्स मीशो में ऐड करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, बैंक डिटेल्स जब हम ऑर्डर करते हैं तो भी हमसे पूछा जा रहा है कि आप बैंक डिटेल्स मिस कर रहे हैं, तो बैंक डिटेल्स आखिर मीशो मांग क्यों रहा है? मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट में मार्जिन ऐड किए हैं, ठीक है, वो पैसा आपको कैसे मिलेगा? अगर आप बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे तो ही तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा ना मीशो के द्वारा, इसीलिए आपसे मीशो बैंक डिटेल्स मांग रहा है बार बार। आप अपना UPI ID भी ऐड कर सकते हैं मीशो में, इसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो क्या मीशो सेफ एप्लीकेशन है, इसमें हम बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं? हम करीब 5-6 साल से वर्क कर रहे हैं और आपको बैंक डिटेल्स मांग रहा है तो आपको ऐड कर देना चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।